और एक वहाँ भंडारा होता है, तो उसमें इतना एलैबोरेट खाना बनता है और इतने इतनी सारी तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं और इतने तरीके की पूरी कचौड़ी और सब्जी और ये बनती है कि संडे थैंक यू मेरे चीट डाइट के पोस्ट को पसंद करने वाले मेरे सभी दोस्तों को। और इस बार का ये संडे चीट डाइट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ख़ास तौर से मेरे लिए। कई कारण हैं, एक तो ये संडे है, चीट डाइट का दिन है, और दूसरा एक बहुत स्पेशल ओकेजन है कि मेरे नाना जी की पुण्यतिथि जो कि हिंदी का डे डेट से इत्तफाकन इस बार इसी संडे को पड़ रही है, जो होलिका के एक दिन पहले होती है, होलिका वाले दिन होती है। तो 28 तारीख है, मेरे नाना जी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन हम लोग नाना जी के घर पे रहेंगे, जहाँ पे कि अखंड रामायण का पाठ होता है और एक वहाँ भंडारा होता है, तो उसमें इतना एलैबोरेट खाना बनता है और इतने इतनी सारी तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं और इतने तरीके की पूरी कचौड़ी और सब्जी और ये बनती है कि संडे होना और नाना जी की पुण्यतिथि होना और उस दिन नाना जी के सारे अनुयायियों से मिलने का मौका मिलता है, उन सब के साथ भंडारे में सबको खाना खिलाना और फिर खुद खाना खाना, तो ओवर ईटिंग का हर तरीके से बहाना होता है। तो इस बार का चीट डाइट संडे नाना जी को समर्पित, और दूसरा सबसे स्पेशल ओकेजन संडे को चीट डाइट का ये रहेगा कि मेरी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है और होली की गुजिया मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से बना करके भेजी है, तो ये संडे की शाम जो भी मेरे घर आएगा उसको हम अपने सासू माँ के हाथों की बनी हुई यम्मी यम्मी गुजिया सर्व करेंगे और खुद भी खाएंगे, और जब तक वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मेरा चीट वीक चलता रहेगा शायद, लगता है ये होली का सेलिब्रेशन। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि ही सो काइंड इनफ मेरे लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।